Hello greetings to all of you. Welcome to Online Ventures, the one stop solution. फॉर ऑल द एग्जामिनेशन इन इंडिया रात के आठ बज चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार लाइव सेशन के साथ भाई साहब जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में सके जय हिंद ऑफिसर्स, हाय डॉली, नूरी कौस्तव शुभम कपिल निशांत सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन बेंचर्स के सबसे धमाकेदार सेशन एक्सप्रेस एक 365 करंट अफेयर्स भाई साहब आप जानते हैं कि यहां पर हम पढ़ते हैं बेटा द डेली करंट अफेयर शो रात आठ बजे ऑनलाइन वेंचर्स पर भाई ऑनलाइन पर सुबह आठ बजे एट ए एम होती है वो लेडर की धमाकेदार क्लास डॉक्टर अमित सिसोदिया की और रात आठ बजे होती है बेटा एक्सप्रेस थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव करंट अफेयर्स सुबह एट ए एम और रात एट पी एम बिल्कुल भी आना ना भूलें भाई जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और करंट अफेयर से बेटा इतने क्वेश्चन आते हैं कि यह आपके एग्जाम में सिलेक्शन करवा सकता है या सिलेक्शन रुकवा सकता है अब दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में एक वो है बेटा जो सुबह डेली द हिंदू लेकर बैठते हैं द हिंदू पढ़ना बुरी चीज नहीं है लेकिन प्रॉब्लम यह है द हिंदू पढ़ने के लिए लगते हैं तीन घंटे और तीन घंटे में क्या होता है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है द हिंदू पढ़ने का बहुत खराब है मतलब 24 में से वैल्यूएबल तीन घंटे आपने खराब कर दिए और दूसरे वो लोग हैं जो कभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते अंत में लेकर बैठते हैं आठ नौ हजार क्वेश्चन का बोझ आ जाता है एंड यू एंड विद नथिंग हमने यहां पर आपकी दोनों समस्याएं खत्म कर दी दीजिए आपको डेली की टॉप न्यूज मिल जाएंगी डेली के टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे उसके पीडीएफ मिल जाएंगे इसके बाद ना बेटा कोई किताब पढ़नी है ना मैगजीन पढ़नी है ना वेबसाइट देखनी है ना पीआईबी देखना है कुछ नहीं सिर्फ मेरे करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं किस एग्जाम वाले बच्चे इसको पढ़े बेटा देखो अगर आप सी की तैयारी कर रहे हैं ओ की तैयारी कर रहे हैं सी ए पी एफ की तैयारी कर रहे हैं आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप यूपीएससी सी एस सी की तैयारी कर रहे हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब एग्जामों के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो एस एस सी की तैयारी कर रहे हैं एस एस

ठीक है बेटा आज की खबरें बड़ी शानदार हैं आपके लिए भाई देखो और पहली खबर ऐसी आ रही है वाइल्ड लाइफ से जो कि याद रखिएगा हमारे यूपीएससी को बहुत ज्यादा पसंद है देखो बेटा यूपीएससी को कुछ चीजें बहुत पसंद हैं जैसे एनवायरमेंट हो गया वाइल्ड लाइफ हो गया क्लाइमेट चेंज हो गया कल्चर हो गया यहां से क्वेश्चन यूपीएससी बहुत मिलता है अब पहला अब ये देखो बेटा कि सी डी टू में हमने टू से ज्यादा सेलेक्शन दिए हैं अगली फोटो मुझे यहां पर आप लोगों की चाहिए टू हंड्रेड प्लस सिलेक्शन हुए हैं ऑनलाइन वेंचर से आपने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है हम आपके ऊपर विश्वास दिखाएंगे बिल्कुल सही बात है चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर ये देखो बेटा ये देखिए बेटा बड़ी खबर आ रही है वाइल्ड लाइफ से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स ये तो आपने सुना ही होगा बेटा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया के बारे में आपने देखा होगा और इसकी सबसे ज्यादा परेशानी क्या है ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बेटा ये चिड़िया है ये बहुत यूनिक चिड़िया है जो हमारे भारत के थार रेगिस्तानों में पाई जाती है अब थार रेगिस्तान कहां है आपके ये राजस्थान में पाया जाता है और उत्तरी गुजरात में पाया जाता है सो ये ये थार रेगिस्तान वाला जो एरिया है यहां पर बेटा ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाई जाती है। और क्या हो रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ याद रखिएगा कि इनकी पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है आप देख सकते हैं कि 1969 में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थी वो करीब 1260 के आसपास थी लेकिन अभी 2020 में इनकी संख्या अब सिर्फ डेढ़ सौ बची है तो मात्र डेढ़ सौ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अब भारत में बची हुई है जो कि थार डेजर्ट में राजस्थान और एडजॉइनिंग नॉर्दर्न गुजरात में पाई जाती है प्रॉब्लम क्या है, है? बेटा बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइन है हाई टेंशन लाइन है बिजली की जिनमें बिजली दौड़ती है अब होता क्या है कि जो बची कुची इनकी आबादी है वो भी इन हाई टेंशन लाइन से टकरा जाती है और इससे क्या हो रहा है कि अगर फैक्ट बताऊं तो 15% परसेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मौत जो है हाई टेंशन लाइन से टकराने के वजह से होती है अब होता क्या है कि भारत सरकार ने इसका निवारण निकाला है ऐसा निवारण निकाला है ताकि इनकी मौत अगर हो रही है तो नेचुरल तरीके से हो लेकिन ऐसे एक्सीडेंट्स के थ्रू ना हो सके तो इसके लिए भारत सरकार ने एक यूनिक तरीका निकाला है यह देखेगा द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अलोंग विद द Wildlife Conservation Society has come with a unique initiative. फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर अब ये देखिएगा एक कंसेप्ट निकाला गया है फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर अब हो क्या रहा है कि बेटा जो आपके तार होंगे ना इसके ऊपर बड़े बड़े जो हैं डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे अब होता क्या है कि मान लेते हैं कि यहां पर तार है और यहां पर चिड़िया है अब होता क्या है कि यहां पर डाइवर्टर्स रिफ्लेक्टर्स लगाए जाएंगे जब इसकी रोशनी इस पर पड़ेगी तो यहां पर इसको मालूम चल जाएगा कि यहां पर तार है और इससे अपना डायरेक्शन ही बदल सकती है सो बेटा फायर बर्ड डाइवर्टर लगाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा ताकि याद रखिएगा कि बेटा मरने से बच सके अब होता क्या है कि IUCN के बारे में बात करते हैं और अगर किसी चीज की संख्या मात्र है तो जाहिर सी बात है बेटा वो critically endangered में आ जाएगी याद रखिएगा तो फॉर पावर लाइन इन एरिया इन वाइल्ड याद रखिएगा अब आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं बेटा इस तरह से ये इस तरह से किया जा रहा है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली मोस्ट क्रिटिकली थ्रेट स्पीशीज इन इंडिया विथ फ्यूअर देन वन हंड्रेड फिफ्टी बर्ड लेफ्ट इन द वर्ल्ड इट इज लिस्टेड एस क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन आई की जो रेड लिस्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसमें जो है बेटा ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की संख्या में आ चुकी है दो हजार उन्नीस रिपोर्ट बाई द मिनिस्ट्री पॉइंटेड आउट दैट द पावर लाइन स्पेशली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन विद मल्टीपल ओवरहेड वायर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट थ्रेड फॉर the GIBs in the जितनी भी मोरटैलिटी तो हो रही है तो भारत सरकार कहते हैं ना बेटा कुछ तो योगदान दो यार कहते हैं ना बेटा कि आप कुछ सब कुछ नहीं बचा सकते कुछ तो कर सकते हैं जैसे मैंने आपको एक कहानी बताई हुआ यह कि बेटा एक बार <coughs> बल्ब लटका दिए हैं अब होता क्या है समझो बेटा एक चीज में आपको बताता हूं कि एक बार एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी और जंगल में जब बहुत बड़ी आग लगी तो एक छोटी सी चिड़िया जो स्पैरो होती है जिसे बेटा आप गौरैया कहते हैं वो अपनी चोच में पानी भर के उस आग को बुझा रही थी तो किसी जानवर ने हंसते हुए गौरैया से कहा कि इतनी बड़ी जंगल की आग में तुम क्या करोगी जो अपनी चोच से पानी बुझा आग बुझा रही हो तो उसने कहा कि जाहिर सी बात है कि मैं अपने चोच के पानी से इस आग को नहीं बुझा सकती लेकिन आग बुझाने वालों में मेरा नाम तो गिना जाएगा तो बेटा यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि आपको कंट्रीब्यूटर बनना चाहिए तो लिटिल कंट्रीब्यूशन सो पंद्रह परसेंट जो इनकी मौत हो रही है भारत सरकार चाहती है कि ये जो ओवरहेड लाइंस की वजह से इनकी मौत हो रही है उसको रोका जाए तो याद रखिएगा कुछ तो कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं ना छोटा ही हो लेकिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए

चाचा से ढोलिया विलेज सो so, चाचा से ढोलिया विलेज जो कि पोखरण तहसील में है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है राजस्थान में द डायवर्टर्स फायर फ्लाइज बिकॉज दे लुक लाइक फायर डिस्टेंस शाइनिंग ऑन पावर लाइन इन द नाइट तो रात में बेटा ये चमकते हुए दिखाई देंगे और इससे जो है हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कंजर्वेशन सरकार द्वारा किया जाएगा आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू थम्सअप बाई एवरी वन पहली खबर सबको क्लियर है जल्दी बताइएगा बेटा फ्लैप्स क्या है एक तरह के बल्ब लटका दिए गए हैं

एफ ए एटीन सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स अब ये देखेगा बेटा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है एफ ए एटीन सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स अब हमारे देश की जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं आपने देखा होगा समुंदर में बड़े बड़े बेटा शिप्स होते हैं जिसके ऊपर जो है आपके एरोप्लेन्स उतरते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स कहा जाता है याद रखिएगा सो अनाउंस्ड दैट द सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ इट्स एफ ए एटीन सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स विद द इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट कैरियर पार्ट ऑफ स्पिच फॉर द नेवी फाइटर प्रोक्योरमेंट अब ये देखिएगा कि भारत सरकार जो है बेटा ये खरीद रही है एफ ए एटीन सुपर हॉर्नेट याद रखिएगा तो अब यहां पर पहले तो समस्या ये थी कि अमेरिकन जेट है अब प्रश्न ये होता है कि ये जो सुपर जेट है क्या वो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर उतर सकता है ताकि अगर ये उतर सकता है तो उसका प्रोक्योरमेंट शुरू किया जाए मेड इन इंडिया के तहत सो सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स हैं अब सबसे पहले ये था कि भारतीय जो बेटा हमारे नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स है क्या उसके ऊपर ये उतर सकता है तो इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन करना था तो बोइंग एक बहुत ही फेमस अमेरिकन कंपनी है आप सबको मालूम होगा उसने टेस्ट किया और उसने सक्सेसफुल पाया कि हमारे जो एफ ए एटीन सुपर हॉर्नेट जेट्स हैं वो इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कॉम्पैटेबल हैं ये बहुत अच्छी खबर है याद रखिएगा और इससे क्या हो सकता है अब ये मेड इन इंडिया के तहत इसका प्रोक्योरमेंट जो है वो शुरू किया जा सकता है ये अच्छी खबर है भारत के लिए याद रखिएगा डिमोन्स्ट्रेशन वर्ल्ड हेल्थ इन कॉर्डिनेशन विद ने शोर बेस फैसिलिटी एट नेवल एयर स्टेशन रिवर इन मैरीलैंड यूएसए तो याद रखिएगा बेटा ये कहां पर डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है सो नेवल एयर स्टेशन प्लेटोनिक्स रिवर मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया गया है प्रोक्योरमेंट का मतलब है अर्शु दुबे इसका प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट का मतलब है प्रोडक्शन हम इनका प्रोडक्शन भारत में कर सकते हैं मेड इन इंडिया के तहत सुपर हॉर्नेट जेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास तौर से जो डिफेंस वाले बच्चे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है द डिमोस्ट्रेशन शोज दैट एफ एटीन सुपर हॉर्नेट वुड डू वेल इन द इंडियन नेवी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम एंड वैलिडेड अर्लियर स्टूलेशन स्टडी डन ओवर लास्ट टू ईय एज अ पार्ट ऑफ बोइंग प्रोपोज बाई इंडिया फॉर एज अ पार्ट ऑफ बोइंग्स प्रपोज बाई India for India sustainment program, the Block 3 Super Hornets could be serviced in partnership with the Indian Navy. एज इंडिया एंड यूएस बेस पार्टनर थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द एयरक्राफ्ट तो भाई अच्छी चीज है भारत और अमेरिका के साथ एक और अच्छा रिश्ते की खबर आ रही है और अब हम एफ एटीन जो है याद रखिएगा यह खरीदेंगे Jets, इसका ही शुरू होगा याद रखिएगा इसकी टेस्टिंग आज बोइंग ने कंप्लीट करी है भाई साहब लाइक और शेयर बढ़ाया जाए मजा आ रहा है भाई बहुत बढ़िया तो हंड्रेड प्लस लाइक तो हो गए हैं हंड्रेड प्लस लाइव हो गए लेकिन हंड्रेड प्लस लाइक नहीं हुए अगले खबर पे बढ़ते हैं याद रखिएगा ठीक है हाँ जी आगे बढ़ते हैं अब देखिएगा ये देखिए बेटा अब्दुल रहीम खान खाना अब आपको यह भी मालूम है जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यूपीएससी को बहुत ज्यादा खबरें पसंद हैं किसकी यूपीएससी को एनवायरमेंट की साइंस एंड टेक की और क्लाइमेट चेंज की खबरें बहुत पसंद है उसी तरह यूपीएससी को बेटा कल्चर की खबरें बहुत पसंद है आप लोग अगर दिल्ली में रहते होंगे तो इस बिल्डिंग को आपने देखा होगा जिसे अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाता है अगर दिल्ली में आप रहते होंगे तो इस बिल्डिंग को जरूर देखा होगा अब्दुल रहीम खान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूं अब्दुल रहीम खान जो थे बेटा वो बैरम खान के जो हैं बेटा सुपुत्र थे आपको मालूम होना चाहिए बैरम खान वही आदमी है जो कि कहा जाता है कि दुनिया में उससे वफादार सेनापति हुआ नहीं क्योंकि जब हुमायूं की मौत हुई और जब हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उसने तेरह साल के अकबर को युद्ध तेरह साल के अकबर को राज गद्दी पर बैठा दिया और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को लड़ा फिफ्टीन में वैसे मैं आपको बताऊं कि अगर बैरम खान चाहता तो बैरम खान चाहता तो याद रखिएगा कि खुद राजा बन सकता था लेकिन नहीं उसने वफादारी दिखाई और 13 साल के अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया अब होता क्या है कि बैरम खान का जो बेटा था अब्दुल रहीम खान मैं आपको बता दूं ये अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे और अब्दुल रहीम खान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब्दुल रहीम खान जो है वो अकबर के दरबार में एक एकमात्र हिंदी पोएट थे सो अब्दुल रहीम खान अकबर के दरबार में एकमात्र हिंदी पोएट थे और ये बैरम खान का बेटा था <coughs> याद रखिएगा बेटा कि अकबर के नौ रतनों में आप जानते हैं बेटा अबुल फजल फैजी उसके अलावा जो है तानसेन उसके अलावा बेटा जो है हमारे टोडरमल साहब थे बहुत सारे नौ लोग हुआ करते थे आपको मालूम होना चाहिए मानसिंह थे उसके अलावा बेटा जो है अब अब्दुल रहीम खान हुआ करते थे मुल्ला मुल्ला दो प्याजा थे और फकीर अज़ीज़ दीन जैसे लोग शामिल थे अब होता क्या है याद रखिएगा रहीम खान स्टॉम वाज ओपन फॉर पब्लिक आफ्टर सिक्स इयर्स ऑफ रिस्टोरेशन वर्क परहैप्स द लार्जेस्ट कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एवर अंडरटेकन फॉर एनी मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन इंडिया ये देखिएगा बेटा कहते हैं कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी भारत के इतिहास में कोई भी ऐसी मॉन्यूमेंट नहीं है जिसके रिस्टोरेशन में छह साल लगे हों अब रिस्टोरेशन वर्क कौन करता है आपको मालूम है हमारे देश में रेस्टोरेशन वर्क जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है याद रखिएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करती है तो छे साल से बेटा यह अब्दुल रहीम खान खाना का जो है रिस्टोरेशन चल रहा था और आज बेटा इसे

नवान शहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब तो इनका जो गांव है बेटा वो पंजाब में स्थित है और इनका टोम जो है वो हुमायूं स्टॉम के बगर में स्थित है नई दिल्ली में इट वाज बिल्ड फ्रॉम हिज बाय हिज वाइफ इन 1598 एंड हिज बॉडी वाज प्लेस्ड इन इट इन 1627 तो याद रखिएगा बेटा इसको बेटा दिल्ली के हुमायूं टॉम के बगल में है और याद रखिएगा इसे 1598 में बनाया गया था हालांकि इनकी बॉडी उस समय तक तो भाई साहब खत्म ही हो गई होगी लेकिन 1627 में जो अवशेष थे वो यहां पर डाल दिए गए थे ओके जल्दी बताइए लाइक और शेयर होते रहना चाहिए बहुत बढ़िया भाई साहब क्या बात है अच्छी लग रही है खबरें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा ये बताओ भाई साहब आप लोग हमसे बात करते रह करिए आप लोग अपने बात करते रहा करिए बताते रहा करिए आपके जो भी फीडबैक्स होंगे हम उसे भी शामिल करेंगे और चैनल पे नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके अगली खबर देखते हैं ये देखिए बेटा आपने ये देखा होगा अस्ताद डेबो के बारे में आप जानते हैं डेली कोई ना कोई ऑर्बिचरी की खबर आती है और यह आज बहुत बड़े स्टार बेटा हमारे देश के अस्ताद डीबू अस्ताद डीबू डाइड इन मुंबई एट द एज ऑफ सेवेंटी थ्री अ मंथ आफ्टर बीइंग डायग्नोस्ड विद नॉन हॉर्डिंग्स लिंफोमा सो बेटा इन्हें नॉन हॉर्डिंग्स लिंफोमा हो गया था लिंफोमा आप जानते हैं एक तरह का कैंसर होता है बच्चों और 73 की एज में जो है अस्ताद दीबू की मौत हो जाती है मुंबई में क्योंकि बेटा याद रखिएगा कि इनको जो है नॉन हॉर्डिंग लिंफोमा हो गया था आप ये देखिए बेटा आप इनको देख सकते हैं इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ठीक आ... है बेटा सो याद रखिएगा अस्ताद दीबू वॉज एन इंडियन कंटेम्प्रेरी डांसर एंड क्योरियोग्राफर

एंड मास्टर द मॉडर्न डांस टेक्निक्रहम एंड लंडन इन न्यू यॉर्क अब आप देखिए याद रखिएगा क्लासिकल डांस है सिखाया था गुरु प्रहलाद डांस ने उसके बाद इन्होंने कथकली जो की केरला का क्लासिकल डांस है गुरु ई कृष्ण पनिकर के अंतर्गत सीखा और मॉडर्न डांस टेक्निक ऑफ मार्था ग्रहम और जोस लिमोन को इन्होंने लंडन और न्यूयॉर्क में सीखा सो so, बेटा और है, आज बड़ी खबर है सो so, बेटा हमारे अस्ताद जी रेस्ट इन पीस सर टीम ऑनलाइन बेंचर्स और हमारे सभी बच्चे आपको बेटा नमन करते हैं आप हमारे देश के एक ऐसे एक ऐसे चिराग हैं जो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे आप बड़ी खबर आ रही है स्पोर्ट्स से अब स्पोर्ट्स की बड़ी खबर है याद रखिएगा अच्छा एक और चीज याद रखिएगा अब एक चीज याद रखिएगा ही वॉज अवार्डेड द संदीप नाटक अकादमी अवार्ड इन नाइनटीन आइंटी सिक्स एंड पद्मश्री इन दो हजार सात सो so, याद रखिएगा संदीप सं, संगीत नाटक अकाडमी अवार्ड मिला है और पद्मश्री पद्मश्री आपको मालूम है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नॉन हार्डिंग लिंफोमा इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट लिंफोमाससेप्ट हॉर्डिंग लिंफोमास आर टाइप ऑफ कैंसर डेवलप फ्रॉम लिंफोसाइड्स टाइप ऑफ डब्ल्यू सो डब्ल्यू का बेटा एक कैंसर होता है जिसके वजह से इनको मौत हो गई <coughs> बहुत बढ़िया अब अगली खबर बहुत बड़ी खबर है अगली खबर बहुत बड़ी खबर है रेस्ट इन पीस सर अगली खबर बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए तो बेटा मुझे 100% परसेंट उम्मीद है कि यह एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा यह बहुत पूछा जाएगा एग्जाम में याद रखिएगा यह देखिए बेटा यह देखिए आप बड़ी खबर आ रही है यह एग्जाम में यह देखो बेटा ब्रेक डांसिंग ब्रेक डांस तो आपने देखा ही होंगे बेटा माइकल जैक्सन के जो ऐसे ऐसे करके करते थे मैं नहीं कर सकता मोटा हो गया एनी वेज तो ब्रेक डांस तो आपने देखा ही होगा बेटा हमारे माइकल जैक्सन जिन्होंने कहा करते थे आप जी माइकल जैक्सन जी क्या थे बेटा फादर ऑफ ब्रेक डांसिंग थे सो ब्रेक डांसिंग बिकेन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट ये देखिएगा भाई साहब सो ब्रेक डांस जो है याद रखिएगा ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है बहुत बड़ी खबर है ये बेटा बहुत बड़ी खबर है याद रखिएगा सो ब्रेक डांस जो है अब ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट के रूप में गिना जाएगा अब ये देखिए भाई साहब देखिए मैंने एक फोटो लगाई है कि ओलंपिक्स में बेटा ब्रेक डांसिंग हो रही है सोचिए भाई साहब क्या मजा आने वाला है अब तो भाई भारत का गोल्ड पक्का है मतलब प्रभु देवा जी तो जाने वाले हैं और गारंटी बेटा गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं सो ब्रेक डांस में बेटा हमारे प्रभु देवा अरे करके कैसे दिखाएं यार वो तो मैं ऐसे ऐसे करने लगा था कोई बात नहीं वैसे तुम लोग मजे बनाओगे बाद में जो है बेटा इंटरनेट पे डाल के जो है तुम जो है मुझे वायरल करोगे ठीक है एनीवे शोभा नहीं देता है तो आप इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेक डांसिंग ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट बन गया है याद रखिएगा <coughs> ठीक है अब प्रभु देवा जी तो भैया जीतने वाले हैं मतलब भारत को गोल्ड मेडल मिलने वाला है <coughs> ठीक है सुनिएगा The International Olympic Committee's pursuit of urban events to lure a younger audience saw street dance battles. ऑफिशियली एडेड टू द मेडल इवेंट्स प्रोग्राम एट 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर पैरिस ओलंपिक्स दो हजार चौबीस के पैरिस ओलंपिक्स में इंक्लूड किया जाएगा दो हजार इक्कीस के बेटा याद रखिएगा यह आपके टोक्यो ओलंपिक्स में नहीं पैरिस में, में बहुत बार पूछा गया है कि टाइकवांडो सबसे पहले कब आया था सो नाइनटीन सिक्सटी फोर के टोक्यो ओलंपिक्स में आया था वैसे ही ब्रेक डांसिंग जो आप स्ट्रीट डांसिंग भी कहते हैं याद रखिएगा वो बेटा दो हजार चौबीस के पैरिस ओलंपिक्स में आएगा अरे यार मजा मत करो हो गया यार हो गया ठीक है ओके 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 ऑल्सो कंफर्म फॉर पैरिस बाय द आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर स्टेक बोर्डिंग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग याद रखिएगा ठीक है और भी बहुत सारे गेम आएसो ऑल्सो कंफर्म फॉर पेरिस बाय द आईओसी बोर्ड वर स्केट बोर्डिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग ब्रेक डांसिंग वॉज प्रोपोज बाई पैरिस ऑर्गेनाइजर ऑलमोस्ट टू अगो आफ्टर पॉजिटिव ट्रायल्स एट द दो हजार अट्ठारह यूथ ओलंपिक्स इन ब्यूनो एनिस हजार अठारह में यूथ ओलंपिक्स हुए थे Aris, जो कि बेटा आपके अर्जेंटीना में है वहां पर ट्रायल हुआ था और फाइनली जो है अब इसे दो हजार चौबीस के पैरिस ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा भाई साहब लाइक एंड शेयर करिए ये खबर तो गारंटी एग्जाम में आ रही है आपके सो so ये बहुत बड़ी खबर है बच्चों ओके <coughs> okay, अगली खबर पर आते हैं ये देखिए बेटा अब आती है असलियत अब आती है भारत की थोड़ी सी असलियत ये देखिएगा बेटा ये देखिएगा इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स अब देखो भैया कि भारत में वर्क प्लेस पर कितनी इक्वालिटी है भाई साहब ये देखिएगा इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स भारत में जो लोग काम करने जाते हैं ऑफिस में ये एग्जाम में बेटा आपके खास तौर से सीडीएस में सी में यूपीएससी में इंडेक्स बहुत पूछे जाते हैं द इंडिया वर्क प्लेस इक्वलिटी इंडेक्स टाउटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रीहेंसिव कॉम्प्रीहेंसिव बेंच मार्किंग टूल फॉर एम्प्लॉयर्स टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन एल जी बी टी प्लस इंक्लूजन एट द वर्क प्लेस वॉज अब यह देखा गया है एल जी बी टी प्लस कॉम्युनिटी जो है हमारी अब एल जी बी टी कॉम्युनिटी क्या होती है बेटा जिसे कहा जाता है लेस्बियन गे लेस्बियन गे बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर याद रखिएगा सो एलजीबीटी के बारे में आपको मालूम होगा लेस्बियन गे बाईसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर अब देखो बेटा आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मान चुकी है कि ये बेटा थर्ड जेंडर वगैरह होता है इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बेटा एलजीबीटी को मान्यता दे चुकी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मान्यता देने से कुछ नहीं होता है इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या वाकई में उसे इंप्लीमेंट हमारे देश में किया जा रहा है तो अब इसको देखते हुए एक बहुत ही फेमस बेंचमार्क देखा गया है कि भैया हमारे देश में एल को वर्क प्लेस में इक्वालिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है इसका इंडेक्स निकाला गया है बहुत इंपॉर्टेंट है देखिएगा होटेलियर एक्टिविस्ट केशव सूरी थ्रू हिज नॉन प्रॉफिट केशव सूरी फाउंडेशन पार्टनर विथ प्राइड सर्कल Stonewall UK and Fikky to bring IWEE to India NC its first report announced winners from among 65 companies which shared data on their diversity and inclusion practices 21 firms won under the gold category while Tara was placed under silver and Thera gold the bronze the index measures nine areas policies and benefits employee life cycle employee network group allies and role models सीनियर लीडरशिप मॉनिटरिंग प्रोक्योरमेंट कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड एडिशनल वर्क द आई डब्ल्यू आई कम्स टू इयर्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क रीडिंग डाउन ऑफ सेक्शन 377। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सेक्शन 377 को हटाया तो उसके बाद यह देखा गया याद रखिएगा सो याद रखिएगा तो हमारे देश में पैसठ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी लिस्ट शेयर करी है पैसठ कंपनियों ने कि उनके देश में उनकी कंपनीज में कितनी डाइवर्सिफिकेशन है और याद रखिएगा उसमें से आपकी इक्कीस कंपनियां जो हैं वो गोल्ड कैटेगरी में आई हैं अट्ठारह जो है सिल्वर में और तेरह जो है ब्रॉन्ज आप सोचो भारत जैसे देश में कितनी हजारों की कम, कन, हजारों की मात्रा में कंपनियां हैं लेकिन सिर्फ पैंसठ कंपनियों ने अपनी जो है बेटा लिस्ट शेयर करी है कि हमारे यहां भाई साहब एल कम्युनिटी के लोग काम करते हैं यह अच्छी चीज है बेटा याद रखिएगा सो इसे शुरू किया है होटेलियर एक्टिविस्ट केशव सूरी ने इनकी नॉन प्रॉफिट केशव सूरी फाउंडेशन है पार्टनर विद प्राइड सर्कल स्टोन वॉल यूके एंड फिक्की ने मिलकर के इंडिया वर्कप्लेस इक्वालिटी इंडेक्स निकाला है सो so, याद रखिएगा सिर्फ पैंसठ कंपनियों ने अपना डेटा यहां पर शेयर किया है जिसमें से हमारे देश में 21 कंपनियां गोल्ड कैटेगरी में आई हैं। याद रखिएगा ठीक है तो आप देखते हैं एनीवेज़ अभी तो बस शुरुआत की बात है अगली खबर भी बहुत बड़ी खबर है अगली खबर बहुत बड़ी खबर है बेटा बहुत बड़ी खबर और यह देखिएगा बेटा यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर दो हजार है बड़ी खबर ये बहुत बड़ी खबर है बेटा याद रखिएगा यूएन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर 2020 वेरी बिग न्यूज समझिएगा बेटा हमारे देश का एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्प एज इंडिया हेल्प एज इंडिया के बारे में सुना होगा आप लोग आए दिन रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं वहां पर बेटा देखा होगा आपने एक डब्बा रखा रहता है हेल्प एज इंडिया लिखा रहता है और डोनेशंस मांगी जाती हैं दस रुपए पांच रुपए बीस रुपए जो भी आपकी श्रद्धा होती है उसके हिसाब से आप बेटा उसमें पैसे डालते हैं अब हेल्प एज इंडिया ने हमारे देश में बूढ़े लोगों के लिए बहुत काम किया है और उस बूढ़े लोगों के लिए जो काम किया है बेटा याद रखिएगा हेल्प एज इंडिया ने उसको यूनाइटेड नेशन ने भी अब सराहना शुरू कर दिया है और आज तक भारत के इतिहास में यह पहली कंपनी है जो कि यूनाइटेड नेशंस अवार्ड जीती है 2020 का ये बहुत बड़ा अवार्ड है इससे पहले 1992 में मैं आपको बता दूं कि 1992 में था लेकिन जे आर डी टाटा साहब ने अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता था आज तक भारत की कोई ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर कोई भी जो है इसको नहीं जीता है सो हेल्प एज इंडिया हैज प्रेजेंटेड दू एन पॉपुलेशन अवार्ड फॉर दो बीस इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी आज तक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में कोई नहीं जीता था अकॉर्डिंग टू रिलीज इशूड बाई यू याद रखिएगा ठीक है आप देखोगा

जिंगा द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोमानिया टू यूनाइटेड नेशन एंड कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के लिए याद रखिएगा चेयरमैन जो थे वो जिंगा थे जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रोमानिया के इसके साथ साथ याद रखिएगा नौ अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर चुना है तो काफी अच्छी बात है अब देखिएगा बेटा यहां पर ठीक है हाँ जी ठीक है अब सुनिएगा अब सुनिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएन पॉपुलेशन अवार्ड द ऑनर इज बिंग कन्फर्म टू एन इंडियन इंस्टीट्यूशन अब क्योंकि बेटा भारतीय इंस्टीट्यूशन को पहली बार मिला है इसलिए यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हेल्प एज इंडिया विच हैजिन वर्किंग फॉर द कॉज एंड केयर ऑफ डिस एडवांटेजेड पर्सन to improve the quality of life for over four decades and is the first Indian institution to receive this award. So जो बेटा हमारे आजकल देश में आप देख ही रहे हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं दादा दादी बन जाते हैं सो हमारे जो देश के नौजवान हैं, वो अपने माँ बाप को दादा दादी को घर से बाहर निकाल देते हैं तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी समाज में कोई मदद नहीं करता है हेल्प एज इंडिया ऐसे लोगों की पिछले चालीस साल से मदद कर रहा है और याद रखिएगा कि हेल्प एज इंडिया को

क्लियर है तो ये हो गया भाई आज के क्वेश्चन आज की न्यूज खत्म कैसी लगी न्यूज जल्दी बताओ बेटा जल्दी बताइएगा बेटा बिल्कुल साहब एहसान त्रिपाठी साहब टाटा साहब लेजेंड हैं बिल्कुल सही है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी कोई टाटा की चीज खरीदता हूं ना मैं उसे चेक नहीं करता जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एसी लेने गया कुछ समय पहले की बात है मैंने देखा कि भैया वहां पे वोल्टास रखा हुआ था और वोल्टास पर लिखा हुआ था टाटा प्रोडक्ट तो जहां टाटा वहां विश्वास मैंने बिना देखे ही खरीद लिया याद रखिएगा बहुत बढ़िया बेटा तुम लोग बेटा इस कंपनी को बढ़ा रहे हो तुम्हारी है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर आते हैं अब क्वेश्चन तो कर लो क्वेश्चंस किए बगैर कंप्लीट नहीं होता है काम भैया अभी तो सिर्फ खबरें पड़ी क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीडीएस का बेटा हमारा 150 दिन का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है फटाफट खरीदना खरीद सकते हैं इसके अलावा ओटीए की तैयारी अगर कर रहे हो अगले साल के लिए तो खरीद सकते हो ठीक है अब सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो अगले साल के लिए तो बैच खरीद सकते हो और सीडीएस और सीएपीएफ दोनों की तैयारी कर रहे हो तो बैच खरीद सकते हो अभी हमारे बैचेस शुरू हुए हैं बाईस तारीख को ठीक है अब देखिएगा बेटा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द इंडिया वर्क प्लेस इक्वालिटी इंडेक्स द इंडिया इंडेक्स टाउटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रीह बेंच मार्किंग टूल फॉर एम्प्लॉयर्स टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन एल जी बी टी इंकल्जन एट वर्क प्लेस वॉज लॉन्च इट्स फर्स्ट रिपोर्ट अनाउंस विनर्स फ्रॉम सिक्सटी फाइव कंपनीज वि शेयर द डेटा ऑन द डायवर्सिटी एंड इंकल्जन प्रैक्टिस जल्दी बताइएगा जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है फर्स्ट हां जी जल्दी फास्ट देखते हैं कौन सही जवाब देगा मुझे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वेरी गुड बच्चा जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दीजिए बिल्कुल सही है राइट आंसर सी होगा बोथ वन एंड टू इज द राइट आंसर दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट इनमें से कौन सा जो है ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है ब्रेक डांसिंग आर्चरी बैडमिंटन नन ऑफ द बव जल्दी बताइएगा पूछा गया है इज नॉट एंड ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट जल्दी बताइएगा सो so, इनमें से कौन सा जो है ऑफिशियल ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है सो so, भाई ब्रेक डांसिंग हो गया है आर्चरी पहले से है बैडमिंटन है नॉन ऑफ द अब क्योंकि ब्रेक डांसिंग 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा और याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ऑफ द खेता कोथम एंड द्वाता <coughs> दौरिस समा गोवाली ये बेटा ये संस्कृत लिटरेचर्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी पर लिखी गई थी आई एम रियली सॉरी मैं इनके सही से नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ ये संस्कृत हैं बेटा किताबें हैं जो कि अब्दुल रहीम खान ने लिखी थी आपको मालूम होना चाहिए सो अब्दुल रहीम खान ने लिखी थी जो कि बेटा हिंदी पोएट थे आपको मालूम है अकबर के दरबार में और इनका जो मकबरा है वो आज वापस खोल दिया गया है वॉज अस्ताद डीबू अस्ताद डीपू क्या थे आपको मालूम है अभी आज ही मैंने आपको बताया है कि बेटा हमारे देश के बहुत ही मशहूर जो हैं बेटा ये एक डांसर हैं और इस इनकी आज ही बेटा जो है औरबिचुरी की खबर है अस्ताद डीबू इनको लिम्फोमा हो गया था 73 थ्री की एज में इनकी मौत हो गई इंडियन कंटेम्परे डांसर तो याद रखिएगा इन्होंने कथक कथकली मॉडर्न डांस सब कुछ इन्होंने बेटा ईजाद किया है और कंसिडर फॉलो इन स्टेडियो रेफरेंस टू द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी हैज कम विद विदनिक इनिशियटिव फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर फॉर ओवर हेड पॉवर लाइन इन एरियाज विद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन फाउंड इट इज लिस्टेड एज वनरेबल इन आयू सी एन रेड लिस्ट जल्दी बताइएगा सो so, आयू सी के रेड लिस्ट में ये वनरेबल है जल्दी बताओ ये तो सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि आई की रेड लिस्ट में बेटा ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कारण समझो क्योंकि बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डेढ़ सौ बची हैं उससे ज्यादा अब नहीं बची हैं याद रखिएगा ठीक है तो भैया ये हो गया आज के डन और भैया आई बी ए सी आईओ की तैयारी कर रहे हो टीयर वन और टीयर टू दोनों के लिए बैच निकाल रहे हैं बेटा अट्ठाइस दिसंबर से अट्ठाइस दिसंबर से बैच आ रहा है कंप्लीट मास्टर कोर्स टीयर वन टीयर टू के लिए तीन हजार सौ निन्यानवे रुपए फीस है लेकिन आपने अगर क्रिसमस की रात 12 बजे तक पेमेंट कर दिया तो दो हजार नौ सौ निन्यानवे में यह आपके लिए क्रिसमस डिस्काउंट है याद रखिएगा पांच सौ रुपए का तो दो हजार नौ सौ निन्यानवे में आप ये कोर्स खरीद सकते हैं इसमें मैं हूं आपके जुबैर एहसानी सर हैं चंदन रोशन सर हम तीनों लोग मिलकर जीए जीएस पढ़ाएंगे नेहा जोशी मैम रीजनिंग पढ़ाएंगी अमित सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और रणधीर सर जो है मैथ्स पढ़ाने वाले हैं ये शानदार हमारा कोर्स आ रहा है टेलीग्राम चैनल से भैया जुड़ जाओ ताकि पीडीएफ मिल सके अपडेट्स मिल सके ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर हमें कॉल करें तो सेवन डबल सिक्स डबल नाइन डबल फाइव फोर डबल टू पर हमें कॉल करना ना भूला करिए बेटा ठीक है आपको कोई भी डाउट हो आपको कोई कोर्स खरीदना हो किसी तरह की हमसे हेल्प चाहिए तो बेटा आप हमको जरूर फोन करें बताइए ओके कैसा लगा सेशन मजा आया सबको आ, कपिल टॉक्स आप बुक बहुत जल्दी आ जाएगी फेब्ररी ओके थैंक यू तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को करेंट अफेयर्स बहुत अच्छा लग रहा है और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ और जोड़ते रहिए भारी से भारी मात्रा में टीम ऑनलाइन बेंचर्स आपके साथ हमेशा लगी हुई है थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे जय हिंद जय भारत एंड वंदे मातरम